ये दूसरी जिंदगी में दूसरी दफा इंटरव्यू से मुझे मजा आया। पहला जो था वो मैं एक वक्त आया जब मेरी मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि मैंने हज पे जाना, तो मैंने कई लोगों से पूछा कि ले जाए, तो कोई भी नाराज़ हुआ या कुछ ऐसी शरायत थी कि जैसे। तो फिर मेरी बीवी ने कहा कि आप दूसरों से कह रहे हैं तो खुद क्यों नहीं जाते यार। मैंने कहा मैंने तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ी, तुम किससे कहाँ भेज रही हो मुझे। बोलते अपनी माँ का आप ही ख्याल रख सकते हैं और कोई नहीं खड़ा। वो जो हमने अप्लाई कर दिया और इस तरह हम चले गए। और मैंने मेरे साथ दो माएँ थीं, मेरी सास भी और मेरी माँ भी, तो उनके साथ मैंने हज किया। मैंने वहाँ देखा चीज़ें और मुझे पता लगा कि अल्लाह क्या यहाँ पर मैंने आके वो फिर मैंने मस्जिद नबी में तस्वीरें खींची। वहाँ लैंडस्केप बने हुए थे सारे उसमें गुमदों में, तो मेरे यहाँ पर बड़े बड़े उलमा जो बड़े बड़े लोग थे जिनको दीन के मुतालिक, मैंने उनसे कहा कि ये देखो कहते हमने तो कभी नहीं देखा। मैंने कहा जाते हो ना, कहते हाँ जाते हैं, हमने तो कभी ऊपर नज़र ही नहीं उठाई। मैंने कहा ये तो एक जो आर्टिस्ट है तो अपना दिल लगाया हुआ वहाँ पर, अच्छा पर देखते कोई नहीं। अच्छा आपने खाना काबा को पेंट किया है या मस्जिद नबी? हाँ अभी अभी मैंने मस्जिद को मैं खाना काबा को पेंट करना चाह रहा हूँ, किया भी है लेकिन वो मुझसे अभी तक बन नहीं रहा। अच्छा। बड़ी बेबसी होती है तस्वीर, इतनी आसान नहीं है। हाँ वो तस्वीर जो है वो मैं चाहता हूँ उसके एक नए तरीके से पेंट करना, और वो पता नहीं हो सकेगा या नहीं। बहरहाल मैं कोशिश कर 3-4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा करारदाद पाकिस्तान के जो मशाहीर हैं उनके हवाले से आपने एक जहाजी साइज जो पेंटिंग बनाई थी, हाँ उसके बारे में वो ये है कि मैंने ये सन कहा था 1968 में, ये 40 साल हो रहे थे जब, हाँ या तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये जो थे ना पायनियर्स ऑफ फ्रीडम जो शुरू में कहा जाते उनके साथ थे, उनके स्टैम्प बनाए जाए। अच्छा स्टैम्प ये है कि पता नहीं तस्वीरें हैं या नहीं हैं, वो कुछ अजीब सी होती हैं मुझसे प्रॉब्लम। तो वो मुझे उन्होंने कहा कि आप बताएं क्या करें। मैंने एक अपना पोर्ट्रेट बनाया, स्केच किया और उसको कहा कि इसको रिड्यूस करते जाओ। रिड्यूस करके जो है जब वो स्टैम्प चाहिए, मैंने कहा देखो इसमें कोई क्या खराबी, बोलते ये तो ठीक है। मैंने बस यही एक सलूशन है कि मैं इसको बजाय, आज तक कभी कोई स्टैम्प जो है वो पेंसिल से डिज़ाइन नहीं हुआ, नहीं बना। तो मैंने कहा ये मैंने फिर वो करके दिखाए, तो वो बेनज़ीर साहबा थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने देख के कहा ये ठीक है आप करें इसको। फिर वो पहले होते कि तकरीबन एक शीट पे 9 होते थे, तो 9 स्टैम्प बनाने थे। फिर उन्होंने कहा कि 2 शीटें होनी चाहिए, फिर 18 हो गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं 3 करो, 3-27 स्टैम्प जो है मैंने वो बनाए। और वो बड़ा रिसर्च होती थी उसके ऊपर, और उसके बाद सारे हर एक के बारे में एक तो वो है स्केच, अभी भी हर जगह ये तहरीक वाले जो हैं वो जब बनाते हैं तो वही इस्तेमाल करते हैं, वो उसके मुतलक लिखा हुआ है हर एक के मुतलक और सारी चीज़ें। तो हर साल आप कुछ यादगार? हाँ मैं बनाता था, कई दफ़ा इतने बनाए, फिर और भी बनाए, फिर और भी बनाता चला गया, अब फिर उन्हें बंद कर दिए पता नहीं क्यों। तो अब ये है कि वो तस्वीरें तो फोटोग्राफ जो थे रेफरेंस के लिए वो तो मेरे पास थे। तो मैं रिटायर हो रहा था, तो मैं 98 में मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मुझे तो कोई चीज़ चाहिए ना अब करें काम। तो फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं क्यों ना इस चीज़ पे, मैंने इस पर काफ़ी पहले भी सोचा हुआ था, करता रहा था ना कि तहरीक ये जो हमारा है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसकी बात कोई तस्वीरें हमें वहाँ वहाँ बात है नहीं, हमने ज़ाहिर कर दी हुई। और उसमें
हमारे अफसरान दुबाला जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अव्वल अव्वल होते हैं तस्वीर का उसको तारीख को सत्यानाश करने के लिए। तो मैं आर्काइव में गया, मैंने जाकर मुझे बताया ये तस्वीर, उन्होंने एक तस्वीर दिखाई जो कि ममदूर भी लगी। मैंने कहा ये तो मैंने भी देखी हुई है। मुझे उस दिन आखिर कह जाती कि हज़ारों तस्वीरें खींची गई होंगी, वो कहाँ? बोलते जी वो बड़ा लंबा चौड़ा काम था, हम छोड़ के चले आए। अब बताएँ सिविल गजट जो है, सिविल मिलिट्री गजट जो है वो है, और ज़मींदार अखबार ये है, वो इसमें सारी चीज़ें ज़ाया हो गई, हमारी तारीख ख़त्म हो गई। अब मैं जब ये प्रेस फोटोग्राफर कहते हैं आते हैं ना, तो मैंने से कहा कि ये तस्वीरें महफूज रखा करो, क्योंकि ये एक तारीख है। आप एक दिन मेरे साथ बात करते हैं तो ये आपने तारीख का एक हिस्सा जो है वो कर लिया, इसको महफूज रखा करें। तो वो नहीं हुआ। फिर मैंने ये किया कि मैं उस टाइम तस्वीरें तो मेरे पास थीं, तो मैंने उनको कंपोज करना शुरू किया, और वो कोई तकरीबन है 50-55 तस्वीरें हैं। अच्छा। तो वो फिर मैंने उस वक्त में फिर भी जवानी के रिटायर होते हुए 60 साल तो हो गया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि चलो 60 ये जो है 30 फुट चौड़ा कैनवस जो है 10 फुट ऊंचा, इसके ऊपर मैंने बना, तो वो लाइफ साइज की बन गई, ऑलमोस्ट लाइफ साइज की तस्वीरें एक दूसरे के साथ। तो वो जब मैंने बनाई तो फिर मुझे ख्याल था कि मैं इसके पीछे क्या बताऊँ, मीनार पाकिस्तान तो उस वक्त नहीं था, तो मुझे इस वक्त एक चीज़ थी और वो थी बादशाही मस्जिद। तो मैंने बैकग्राउंड में वो बादशाही मस्जिद जो है उसका वो बना दी कि वही इसकी गवाह है सबसे ज़्यादा। तो वो फिर मैंने उसको जब बनाया तो वो ये जो थे इसके अखबार के एडिटर जो थे पहले नवाब के, वो आए तो वो साथ कर खड़े होके तो तस्वीरें के अगले दिन वो अखबार में आ गई। तो मुझे कहा लोगों ने कि भाई अब वो साथ पीछे तस्वीर थी, साथ हम लोग थे, तो वो लाइफ साइज थे ना, हमसे ज़रा पीछे वो एक जाए बराबर लग रहे थे। तो कहने के कि भाई सबको चाय पे बुलाया था तो वो जैसे ही सारे हाँ तो सारे वो एक इतनी लाइफ लाइक है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। कहाँ वो मेरे पास है? अच्छा, कहीं ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, वो असल में एक दफ़ा मैंने वो तस्वीर एग्जीबिशन हुई थी 3 साल पहले वो नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में, तो वहाँ प्रेजेंट आए थे, तो उन्होंने देख के कहा कि आप ये तस्वीर हमें दे दें। वो सबको जानते थे, वो कहते हैं ये भी जो नहीं जानते, मैंने बता दिया। मैंने कही तो कहने ये तस्वीर हमें दे दें। मैंने कहा आप ले लें। तो जब हम उन्होंने बात होने शुरू की तो उन्होंने कहा जी ये तो हम मुफ्त देते हैं इसके लिए। तो मैंने कहा यार जिसको मैंने 15 साल हो गए काम करते हुए उसको तो हाँ, मुझे सुनने में आया था कि 20 साल लगे उस पर बनाने। जो भी है, जो भी वक्त है, मतलब 90 है अब तो देखो 20 साल तो हो गए ना, मुझे रिटायर हुए तो अब तो मैं 98 में रिटायर हुआ था, तो अभी 2000 ऐसे 21-22 साल हो गया। तो इतनी मेहनत से काम किया हो और वो सिर्फ एक ही है, कहीं उन्हें कोशिश की लेकिन नहीं बने। तो वो मैं कहता हूँ कि आखिर मेरी मैंने कुछ मैंने की है जो मेहनत की उसका तो मुझे कुछ तो चला दो। हाँ अच्छा, वो परेड ग्राउंड पिंडी इस्लामाबाद में वो जो कायदे आजम का भी हाँ बहुत वो था 87 में था शायद। हाँ वो 98 में पता नहीं 23 मार्च 1998। हाँ बस वो तस्वीर जो थी असल में वो एक आजादम की तस्वीर थी जो तुर्की की किसी पेंटर ने बनाई हुई थी, वो उन्होंने प्रेजेंट की, तो वो उस परेड पे पीछे लगती थी। तो वो ऐसा ऐसा बिगड़ती गई, क्योंकि हम लोग बड़े शेर हैं इसमें कि नहीं, खासकर मिलिट्री वालों को पता नहीं ना होता, वो कहते हैं इसको साफ़ करो, वो साफ़ करते करते वो तस्वीर हो गई, वो साफ ही हो गई। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये करो, तो उस वक्त वो कपड़े पर बने हुए थे हैंग करते, अब मुझे समझ नहीं आती थी मैं कैसे करूँ। फिर मैंने बड़ा लंबा चौड़ा करके वो किया, उसका सारा पीछे स्ट्रक्चर बनाना था लोहे का जिसके ऊपर वह करे और ये है वो कर बहुत वो। फिर मैंने 4-4 फुट के टुकड़े जो हैं उनके फुट ऊँची थी और 40 फुट चौड़े, तो उसको फिर मैंने वह जो पेंट करके वो लगाई, तो वो एक
पाकिस्तान की सबसे बड़ी तस्वीर थी वो। जी बिल्कुल, कितने बड़े बड़े एजाज हैं आपके पास, ऐसे काम तो और किसी ने नहीं किए। यादगारी टिकट्स के हवाले से, हाँ ये भी जो वो जो 27 स्टैंप बनते ना, तो वो तो पता लगा कि वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया ना। जी बिल्कुल, हाँ तो इस तरह करके जो है वो हो गया, खुद ब खुद ही हो गए। हाँ कुछ हाँ। और जो कायदे आजम पे काम किया है वो तो आप, हाँ बस फिर भुट्टो साहब को बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब वो प्रेसिडेंट बने हैं ना, उसके बाद सबसे पहले तो प्रेसिडेंट बने थे ना, तो वो गए जाके असम्बली उसमें गए हॉल में, तो वहाँ तस्वीर देखी, वहाँ से हमें शाकिर साहब को फ़ोन किया ना, तो वो उन्होंने देख के कहा कि ये कायद आजम की तस्वीर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैं आ रहा हूँ लाहौर दो दिन में, तो फिर मुलाकात। तो मेरे ख्याल है कि भुट्टो साहब को के साथ सबसे पहले मुलाकात हम आर्टिस्ट तारिक शाकिर साहब थे, वो गए, उन्होंने कहा मुझे कहा चलो वो आ रहे हैं, मैंने कहा चले, तो हम गवर्नर हाउस में साथ मुलाकात के लिए गए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको तो हम ढूंढ रहे थे, उनको मिलिट्री सेक्रेटरी से जरूर पता नहीं याद नहीं है रजा, हाँ उन्होंने कहा कि हम तो आप तो मैं ढूंढ रहे थे, तो मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, तो उन्होंने कहा कि फिर उन्हें भुट्टो साहब ने कहा कि देखे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस से तस्वीरें जो लगी हुई थी तब कोई नहीं, और वहाँ तो कपड़े के जो चादरों की थी बेडशीट वो भी लोग उतार के ले गए, तो कुछ नहीं है, तो आप उसे ज़िंदा कर दें, आप हमारी तारीख को पेंट करें। तो फिर हमने मशाहिर जो है ना, पर जितने एमिनेंट पर्सनैलिटीज इस्लामिक वो है मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करके आगे आगे करते करते हमने बनाई 32 तस्वीरें थी। अच्छा, आपकी आधी उम्र तो ऐवानों में गुजरी है, सारे हुक्मरान आपसे तस्वीरें बनवाते थे, आपको वहाँ बुलाते थे, तो आधी उम्र जो है वो ऐवानों में गुजरी है आपकी, आते जाते आते। मुझे बड़ी एक खुशी की बात है, जन्म ज़्यादातर तो तस्वीर, लेकिन मुझे कभी किसी ने जैसे होता है ना नौकर है ये कर रहा वो कर रहा हद, कभी किसी मतलब सबसे ज़्यादा सख्त बंदा जो था वो भुट्टो था, लेकिन उसने भी जितने प्यार से मुझे वो किया कि आप कहने लगे कि आप मुझे पेंट करेंगे, मैंने कहा जरूर, लेकिन मैं सिटिंग नहीं दे सकता, मैंने कहा फिर मैं कैसे करूँ, मैं हाँ मैंने कहा फिर मैं फोटोग्राफ मुझे कोई ऐसी दे दीजिए जो कि मैं जो जिसमें रिटच नहीं हुई ताकि मैं सही तौर पर आपको देख सकूँ, तो हाँ वो आपको मिल जाए। वो फिर एक हफ्ते के बाद मुझे उन्होंने उनके फर्स्ट लेडी के साइन हुए वो तस्वीर मुझे आ गई, फिर उनकी ऑफिशियल सारी तस्वीरें मैं ही बनाता, एक और किसी और ने भी कोशिश की तो फिर उनका खत आ गया कि भाई नहीं नहीं मेरी तस्वीर, हाँ मेरी तस्वीर जो है वो सही तस्वीर बनाएगा। अच्छा, कायदे आजम के जो इतने बेशुमार पोर्ट्रेट्स हैं वो तस्वीरें हैं, जो भी काम आपने उनके हवाले से किया, आपको खुद उनकी कौन सी तस्वीर पसंद है अपनी बनाई हुई, कहाँ लगी हुई है? ये वो स्केच जो है ना ब्राउन एक कलर, लेकिन मैंने अपनी वो जो है ना जब मुझे वो था इसके ब्राउन कलर में वो मेरे पास ही है। अच्छा, कहीं हाँ, तो वो असल में मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ के जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने स्कूलों में ये तस्वीरें लगानी हैं, तो तुम वो उसके वो तो वो थे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इनके स्मॉल इंडस्ट्री के इधर, तो वो उन्होंने मैंने कैरेक्ट लाए, उन्होंने मुझे वो मेरे पास थी एक तस्वीर, वो मैंने उसको उनको पेंट करके दी, वो अभी भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर वही लगी हुई है। अच्छा, कायदे आजम के हवाले से किसी और मुसव्विर ने भी ऐसा काम या इतना काम किया? देखिए मैंने कभी झूठ नहीं बोला इस मामले में, देखो कि एक कायदे आजम की तस्वीर जो है वो मुझे, मैंने हर एक तस्वीरें देखी, सारी तस्वीरें देखी हुई तकरीबन या अगर मेरे पास ना हो मुझे भेज देते हैं लोग,
तो मैंने एक तस्वीर जो बनाई तो मुझे एक के कोई आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा जी मैंने तो कहा उनको लाइव से बनाया, मैंने लाइव से देख के बनाया उनको। अच्छा, हाँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कायदाद में तो किसी के लिए नहीं बैठे। अच्छा, फिर मुझे एक साहब थे जो कि कायदाद के ADC थे, वो ब्रिगेडियर थे। वो मैं जब ये तस्वीर बना रहा था ना बड़ी कायदाद में, तो वो नज़दीक ही थे कहीं। अच्छा। तो वो मैं पूछता उनके घर चला गया, तो मैंने उनको वो तस्वीर वो भी पेश की। मैंने कहा मुझे ये बताया कि कायदे आज़म को किसके सामने बैठे थे, क्योंकि ADC जो होता है वो तो एक साया होता है ना, हर वक्त उनके साथ आता है। तो मैंने कहा वो उनको किसने सामने किसके लिए बैठे थे। काफ़ी सोच कहना किसी नहीं किसी ने कही, लेकिन कहते हैं एक था बेवन पेटमैन, वो वहाँ पर क्वेटा में वो था, वो भी था अली कायदाद में। तो उसने कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो आए थे और वो शाम की चाय को 4 बजे वो आके कायदाद में आए और वो बाहर बरामदे में उधर बैठ गए और चाय पीते रहे 15-1 मिनट। मैंने कहा उनको कोई तस्वीरें बनाई, नहीं उन्हें कोई तस्वीर नहीं बनाई, बातें करते रहे बस। हाँ, उसने फिर वो तस्वीरें जो बनाई बड़ी, उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीरें कायदाद की, वो अंग्रेज की पोर्ट्रेट, वो जो बैनू पेटमैन जो था ना उसने जो बनाई, उसकी उस स्टाफकारी में भी थी और भी थी। तो स्टाफकारी में देख, मैं हमेशा देखा करता था उनकी, तो और भी ब्रिटिश अकेडमी की तस्वीरें जो थी वो वहाँ थी, तो मेरे लिए इंस्पिरेशन होती थी उससे तो देखते के। अच्छा, नेशनल असेंबली में जो असेंबली हॉल में जो कायदे आज़म की तस्वीर लगी है उसमें एक बटन बनाना आप भूल गए थे, उसकी कहानी सुना दो। इस वक्त जो नेशनल असेंबली जो है वो मेरी तस्वीर की कॉपी नहीं है। नहीं, वो बटन वाली जो तस्वीर थी उसकी कहानी बता। वो तो ये था कि जब वो तस्वीर बन के चली गई तो उस जमाने में हम लंबी कोट पहन रहे थे और उनके नंबर जो है ना बटन वो 5-6 होते थे। मुझे ख्याल है कि मैंने कह जाता हूँ कि कितने बनाए, तो मुझे एकदम मैं तो बनाई कोई नहीं। अच्छा। उसी वक्त मैंने अगले दिन मैंने गया, मैं शागिर्द था, मैंने कहा उसमें मैंने पेंट नहीं बटन नहीं पेंट किया, वो मैं जा रहा हूँ। तो हाँ भाई जाओ, तो वो मैं गया आके तो मैंने उनसे कहा जी वो सीढ़ी वाले क्या हो गया। मैंने कहा तो आप चढ़े तो ठीक ला के कहें वो कर, वो जाके फिर मैंने उसको वो पेंट बटन पेंट करे। तो उस फैक्ट्री साहब ने कहने लगे हाँ ये तो हमने भी नोट ही नहीं की। मैंने कहा आप क्या हमारे जो सबसे ज़्यादा देखने वाले हैं हमारे उस्ताद, उन्होंने नहीं देखा चेक। किसी को भी पता नहीं चलना था, किसी को नहीं पता। हाँ, कोई पता था। हाँ, लेकिन और आप कितने परफेक्शनिस्ट हैं। हाँ, मैं इतना हाँ मैंने कोई कोई चीज़ रह ना जाए। अच्छा, ये है कि वो तस्वीरें अब यहाँ इकट्ठी हुई, वो गवर्नर स्टेट बैंक जो थे वो यहाँ तशरीफ लाए, तो मैंने कहा वो तस्वीरें आपके पास हैं क्यों नहीं आप उनको इकट्ठा करके एग्जीबिशन कर लें, आपके पास म्यूजियम भी है। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर। तो वो फिर मैंने उनसे कहा कि वो नेशनल वो जो तस्वीर है वो तो स्टेट बैंक में है तो आप वो ले दें। तो वो खैर उन्हें कहा कि वहाँ पर वैसे नादरा के पास है, नादरा से रिक्वेस्ट। फिर हमने मैंने बड़ी कोशिश की वो तस्वीर हमें मिल जाए, क्योंकि ख़राब हो रही थी वहाँ पर। तो फिर उसके जो चेयरमैन जो है अब है ना, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप यहाँ पर आए हमारे, मैंने क्या उन्हें कहा ये तस्वीर आपकी है ना, मुझे पता कि आप किससे किससे सिफारिश करें, प्रेसिडेंट से भी करवा चुके हैं, हत्ता कि वो जो थी ना जरदारी साहब की जो बहन है उन वो तशरीफ लाई हैं। तो मैंने उनसे करवा चुके थे अभी करते थे, तो वो उन्होंने टेलीफोन में लाया और 1 मिनट की बात करें सॉरी मैं नहीं कुछ कर सकते हो। तो मतलब इसके पास थे वो बड़ी ज़बरदस्त। तो फिर वो जब उन्होंने मुझे बुलाया ना जवाब, तो वो कहने लगे देखें सही साहब ये तस्वीर आपकी है ना। हाँ, तो सारे देखने कहते हैं मेरी तो मेरी जगह पर आप बैठे। मैंने कहा ये नहीं मैं आता, मैं कभी नहीं करता ये आप बताएं। कहने लगा कि ये मैंने कहा ये मैं ये चाहता हूँ कि ये ख़राब हो रही है तो इसको मैं ठीक कर दूँ। बोलते हैं जी आप जहाँ जब तक चाहें अपने पास रखें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक शर्त है कि इसको वापस हमें दे देंगे।
ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। मैंने कहा उसके बाद में जो ये हर यह कहते रहे बोलते हैं वो सॉरी हम मिल हमसे पहले वो मिलिट्री वाले आए थे उन्होंने सारा सत्यानाश कर दिए तोड़ दिए। भाई नहीं फर्नीचर क्यों तोड़ा? एक तो याद होती है ना, एक पीरियड होता है कि यह नेशनल असम्बली जो चीज़ भी थी उसको तोड़ दिया उन्होंने, तो वो सारे रखते हैं तो कहते आज एक अजायब घर होता पूरा म्यूजियम बना होता। तो वो फिर उन्होंने मुझे कहा कि वो फिर उधर फिर इकट्ठे होने मैंने उनसे कहा कि आप गवर्नर साहब से कहा तस्वीर आपने ठीक की दोबारा। हाँ अच्छा। मैंने गवर्नर साहब से कहा कि आप हमें ये तस्वीरें मंगवा दें, उनको सब कुछ बता दिए। वो नाता कह रहे सबने भेज दी, क्वेटा स्टाफ का जिसकी तस्वीर भी आ गई, क्वेटा असम्बली के हॉल के भी लगे ये भी आ गई, और भी फिर उधर लिख गए हम जब इस्लामाबाद कराची में जब तो कराची के जो है वो प्रेसिडेंट वो गवर्नर हाउस वहाँ से भी कुछ तस्वीर जो मैंने बनाई थी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें वो, क्योंकि मैंने वो जगह जाके देखी जहाँ पर कैजाद में बैठा करते थे उनके सारी घड़ी ये वो। गवर्नर साहब खुद तस्वीर लाए मेरे पास यहाँ पर आए आके, तो मैंने कहा आप मुझे बुला दें तो मैं आ जाता था, नहीं हम आपके पास आए। तो वो उन्होंने मैंने फिर कहा जी उन तस्वीरों की फिर नुमाइश की आप? हाँ वो बहुत बड़ी नुमाइश। फिर मैंने उनसे कह मैंने कहा मुझे जगह देखनी होगी, तो कहते हाँ जब मर्जी है। तो मैं वहाँ गया और वो मेरे पास दस ढाई घंटे तकरीबन रहे और उन्होंने एक एक चीज़ मुझे दिखाई कि कह जाते ये थे ये थे ये देखे। वो वक्त था जब एयर कंडीशनर नहीं थे, सिर्फ पंखे थे, और फिर उनके कपड़े ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे दिखाते रहे। और फिर मैंने जब तस्वीर बना के भेजी तो उसके बाद एक फैशन वाला जो है डिज़ाइनर जो है उसने उसके बाद उसके कमेंट से कि इसकी हर सिलाई मुकम्मल है। तो अच्छा फिर एक और भी प्रोजेक्ट आपने किया है कि पाकिस्तान की अफवाज के लिए जो मेडल्स आपने डिज़ाइन किए? यह सब्जेक्ट का आजम के बदौलत ही होता रहा। अच्छा अच्छा। एक साहब आए मेरे पास आगे कहने लगे कि मैं कमिश्नर हूँ वहाँ का ये है, तो मुझे ये भेजा गया है कि आपके पास आऊँ और ये कह रहा था का वो है जो मेडल बनाना है वो ये है तो इसको आप बना दें। तो कहने लगे कि ये मैंने कहा ये तो पाकिस्तान में इनका बना हुआ है, कहते हैं हाँ लेकिन इसमें कह रहा था नहीं है वो नेहरू ज़्यादा लगता है। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ ये तो हाँ सेहतमंद हैं तो ज़्यादा कह रहा नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो कहने कब तक आप इसको बना देंगे? मैं कहने लगे ये कुछ दो तीन महीने तो लग ही जाएंगे। तो कहने लगा कि हमारे पास सिर्फ आज तीन घंटे हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें वैसे बना देता हूँ। तो मैंने वहीं से घर में था मिट्टी खोदी पानी डाला उसको ऐसा किया और मैंने एक कैजादों का पोर्ट्रेट बना दिया याददाश्त से और मैंने उनको दे दिया। वो उसके वो सारे जनरल इकट्ठे हुए हुए थे और वो उन्होंने वहाँ पर वो देखता क्योंकि कैजाद मेडल उसको देना था उसके बाद लग गया सबको। तो वो उसके लिए आए थे वो जाके तो उनके उसी वक्त शाम को उनको दिखाना था GHQ उनके जो था मिलिट्री और डिफेंस में। वो खैर गए वहाँ पर जाके दिखाया और फिर वो उसी शाम को वापस आए और कहा कि सही साहब वो उन्होंने कहा तमाम जनरल्स ने कहा है कि सही साहब जो भी बना के दे देंगे वही मंजूर है। मैंने फिर उसी मेडल को जो खजूना बनाया था पाकिस्तान में हाँ उसको फिर मैंने स्क्रैच करना शुरू किया और फिर मैंने उसकी एनाटमी बस वो वापस आ गए तो वो बन गया। अच्छा फिर वो तीनों अफवाज का जवान का आपने मुजस्मे तीन बनाए? वो मुजस्मा बनाया था लेकिन वो कास्ट नहीं हो सका। अच्छा, हाँ वो अपनी मर्जी से बनाया? हाँ वो मेरी मेरा थीसिस में जब मैं स्कल्पचर अच्छा, कर रहा था ना क्लास में तो मैं स्कल्पचर भी कर रहा था तो वो मैंने बनाया था उस वक्त इसका। अच्छा, तीनों जी के आप जैसे के सरकारी मुसव्विर मेरी मैं जितना मैंने पढ़ा है लेकिन हुकूमत ने आपसे कहा कि बस यही है कि मैंने बड़ा इज्जत भी मिली इसमें। देखिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप है आर्मी के चीफ को जो है फेस करें जी।
उसको तब पहुँचना ही मुश्किल नहीं हुआ, मुमकिन नहीं होता। तो मुझे तो मुझे जनरल बेग अल्लाह ने खुश रखे, वो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं अमेरिका गया हुआ था, मैं वापस आया तो ऑफिस वालों ने कहा कि वो तो जनरल बेग साहब ने आपको बुलाया। मैंने कहा अच्छा। मैं टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा आप आ जाएँ, तो मैं चला गया वहाँ पर। तो जनरल बेग साहब से मिला, उन्होंने कहा जी मैंने आपकी तस्वीरें देखी हैं बनी हुई, तो आप हमें मेरे भी तस्वीर भी बना दें। मैंने कहा ज़रूर बना दें, मैं आपको तस्वीर देता हूँ। तो उसके मैंने कहा जनरल साहब आप माशाल्लाह हयात हैं, ठीक ठाक हैं, तो बैठेंगे, तस्वीर की क्या ज़रूरत है, आप बैठेंगे मेरे लिए, बैठ जाएंगे तो मैं आपको तस्वीर पे आपको पेंट कर लूँ। यार बन जाएगी। मैंने कहा क्यों नहीं। तो कहते हैं अच्छा, वो अपने जो है अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का यार मुझे एक हफ्ता दे दो जाम। तो वो बना दी। मैं उनके पास गया बैठे और मैं उनको पेंट किया। पहले तो बड़ी परेशान यार ये एक पाँच दिन के देखने के कहने ये कैसे होगा। मैंने कहा आप कल देखेंगे, अगले दिन जो है यार ये तो बन रही है। वो फिर करके तीन चार दिन मैं हाँ तो जब बन गई कहने लगे हाँ ये तो ठीक है। मैंने कहा आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपके मेडल वगैरह बनाने हैं, ये मैं लाहौर जाके मेरे एक दोस्त की शादी थी, मैंने कहा उधर जाना मेरा ज़रूरी है। अच्छा शादी से याद आया, आप शादी कार्ड भी तो बनाए हैं काफ़ी। हाँ वो शादी कार्ड मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों के बनाए हैं। हाँ वो अच्छा किताबों के लिए टाइटल भी बनाए, टाइटल भी बनाए। उसकी वजह ये है कि टाइटल ये मुझे वो खुशखती जो है अच्छा इधर कॉलेज में आया तो वो फिर सारे डिज़ाइन में भी वही चीज़ें सिखाई। स्कल्पचर, स्कल्पचर में एक होता है कि एक तो मिट्टी से बनाना है कि जैसे मर्जी बना लो, लेकिन एक होता है कि आप पत्थर के अंदर कार्व करें तो उसको आप तो इधर उधर नहीं हो सकते, उसी के अंदर ही सब कुछ करना पड़ता है। तो वो मुझे आदत पड़ी हुई थी कि मैंने जो कुछ करना है वो इस ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर ही करना है। तो वो फिर मैंने उस तरह मैंने बड़ा कुछ किया, बड़ा मज़ा आया। मैंने जो शादी कार्ड क्योंकि अपने दोस्तों के होते थे तो अपने खुले दिल से फिर मैंने उनको पेन ड्रा करता बनाता था। कि आप जो सरकार का इतना काम किया आपने तो कुछ पैसा मिलता था, मुआवजा देते थे, क्या होता था? अजीब सी बात है कि मिलिट्री वालों ने मेरे बड़े पैसे खाए नहीं दिए, नहीं एयरफोर्स वालों ने बड़े खाए, तो काम करा लिया नहीं दिए। हालांकि वो तो हुकूमत का पैसा है, वो तो देना चाहिए। मैं इटली जा रहा था तो मैंने 90,000 रुपये की एक पेंटिंग बनाई एयरफोर्स वालों के लिए, और वो जब मैंने थोड़ा उसको 10,000 या 20,000 रुपये मैंने उनसे ले लिया था पहले बनाने के लिए। तो बोल जब मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, हम अपने आपके बेगम तो पैसे अदा कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक, मैं बेफिक्र हो गया। मैं गया वापस आया, पता लगा उन्होंने कोई नहीं दिए। फिर उन साहब को मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने जवाब ही कभी नहीं दिया था। मैंने अल्लाह तो इन्हें तो साहब लेना है ना, बस वही कह। मैंने कभी इस चीज़ का गम नहीं किया कि मुझे पैसे नहीं मिले। फिर मैं कभी कहता कि अल्लाह बेहतरीन जज है, वही सब कुछ दे देगा हमें, बस इस तरह। तो इतने बड़े बड़े लोगों से जो आपके ताल्लुकात होते थे ना, मिलना जुलना आना जाना, तो कोई मराद कभी हासिल नहीं की इन लोगों से? मैंने कभी करा ली हो, कोई काम करा ली? मैंने, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कॉलेज में प्रमोशन होने वाले थे, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं प्राइम मिनिस्टर से कुछ लिखवा लूँ। तो मैंने उनके मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन किया, मैंने कहा इस तरह मेरी प्रमोशन होनी है, तो अगर उस मैंने आपके लिए इतना काम किया आप सिर्फ एक एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भेज दें तो मेरा मैं खराब। तो कह लगे सही, तुम जो कुछ लिख के भेज दोगे मैं प्राइम मिनिस्टर से करवा के तुम्हें भेज दूँगा। अगले दिन मैंने सोचा अगर मैंने ये कह दिया तो ये कहेंगे कि ये तो सिफारिश है। मैंने कभी की सिफारिश नहीं की, ना खुद अपनी ना किसी के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं कभी। वो फिर यही हुआ कि एक दो दिन के बाद उनका फ़ोन आया, हाँ भाई क्या बात है तुमने लेटर नहीं भेजा? मैंने कहा छोड़ें, मेरे जो किस्मत में मैं हो जाऊँगा फिक्र ना कर। वो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो आगे फैज साहब थे, ऐसानी साहब थे और प्रिंसिपल थी हमारी, और तो ये सारे बैठे। तो
और भी एक साहब से पता नहीं याद नहीं रहा मुझे, तो वो कहने लगे फैज साहब कहने लगे अभी हाँ सेक्रेटरी वो जो थे एजुकेशन सेंटर के वो भी थे, तो कहने लगे कि भाई इनकी तस्वीर किसने नहीं देखी। तो ईसानी साहब ने कहने लगा सर मैंने ही नहीं देखी भाई यार नेशनल असम्बली में कह दिया तुम की तस्वीर देखी है, हाँ जी वो इनकी बनाई हुई है, अच्छा मुझे मंजूर है। बस ये था मेरा इंटरव्यू। तो बस उससे आगे बात ही कोई नहीं, बात तो खत्म हो गई ना। उन्होंने कहा हाँ मुझे मंजूर है। अच्छा मुजस्मे की बात आई तो वो आपके स्कल्पचर टीचर जो थे तौफीक एजाज साहब है ना, उन्होंने आपको फेल कर दिया था, वो क्या कहा? वो भी इसी तरह थे, देखिए हमारे उस्ताद जो थे ना बड़े सख्त थे, प्यार भी उतना ही सख्त करते थे। लेकिन देखिए मुझे फर्स्ट ईयर में उन्होंने कहा एक दो चीज़ें करने के बाद मैंने वो कहने लगे कि ये चाबी ले लो मेरे कमरे की, जब तक चाहो काम करो यहाँ पर। वो फिर ये कास्टिंग जो होती है वो होता है मिट्टी से बनाने के बाद उसको प्लास्टर में कास्ट करना होता है, एक तरीका होता है। तो उनका अटेंडेंट जो था वो कहने ये तुम्हें गाइड कर देगा, तो मैंने एक सीख लिया फिर दूसरे आता रहा। तो वो मैंने जब किया तो तौफीक सेकंड ईयर में थे हाँ, तो मैंने वो बनाया एक पोर्ट्रेट बनाया बड़ा ठीक ठाक बन गया सब कुछ। तो मुझे कहने लगे कि ये जो है ना तुमने जो आर्मेचर है ये ख़राब हो रहा है, इसको तुम ठीक करो पहले। मैंने कहा आज का दिन है वो मैं कर लूँगा, उसके बाद जब आप अगली प्रॉब्लम से पहले मैं खोल के सारा तो कर लूँ। उन्होंने मुझे अंदाज़ा करिए कि वो बन गया, मुझे पता नहीं सबसे अच्छा बना हुआ, और लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया कि कब वो मेरे वो जो आर्मेचर था उसकी ख़राबी ज़ाहिर हो और वो टूटे। जब वो टूटा फिर उन्होंने मुझे फेल कर दिया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सख्त इम्तिहान था। मैंने कहा कि अब तो मैंने स्कल्पचर करना ही नहीं, मैं रोता रहा सारे। अब मुझे डरते भी बहुत है ना लोग, कहते हैं कि नहीं इसके पास मत जाओ, इसका खौफनाक हुआ। तो वो खैर एक दो दिन के बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया बड़ा प्यार से, कहा कि देखो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती है, हम तुम्हें मैं उसमें जाना नहीं चाहता था तुम्हारे लिए, तो फिर उसमें इतने कॉन्फिडेंट हो जो तुम करो वो ठीक है नहीं। तो वो ऐसा सबक था, फिर बड़ा उन्होंने प्यार मोहब्बत से मुझे कहा कि नहीं तुम ये तुम नहीं करना है, ये तुम उसको छोड़ के रह सकते हो। घोड़े की तरफ आ जाते हैं, घोड़ा आप बहुत शौक से और बहुत ही दिल से पेंट करते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा एक वजह तो ये है कि ये हमारी हिस्टोरिकल एक अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी तारीफ की है, सबसे यही एक ऐसा जानवर है जिसकी बहुत सारी तारीफ की गई। और फिर ये वो जो है अरबी घोड़ों की तारीफ जो है वो क्या है ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें इंस्पायर तो करती हैं। तो रेस को उसमें जो घोड़े होते हैं मैं कुछ काम कर रहा था, वहाँ मैं सुबह सुबह घोड़े देखता था तो उनको स्केचेस करते रहता था, तो वो एक चाह। और फिर मैंने जब ये बुराक बनाया तो उसमें घोड़ा तो वही था, तो वो फिर वो बढ़ता चला गया और मैं उसको। अच्छा सबसे पहले मुझे आपने बताया कि अपनी नवासी के लिए आपने ये बनाया। पहले तो मैंने एक दो तस्वीरें बनाई थी, पहले स्केच किया था जो मैंने एग्जीबिशन में रखा, उसके बाद एक दो बनाई तो लोगों फौरन बिक जाती थी। फिर मुझे जो है मैं जब ये हुआ मेरी पहला बेटा बच्चा था हमारी फैमिली का मेरी बेटी का बेटी, तो वो फिर मैंने वही देखा इसको मैं क्या दूँ, तो फिर सोच के ने अपनी तकलीफ दी। फिर मुझे ये इतना खूबसूरत है कि हर मैं बस वही था कि उससे पहले मैंने बर्ड्स को देखा ना जो रंग होते हैं बेशुमार रंग है, तो वो मैंने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चीज़ आई होगी वो कितनी पुर रंग होगी। हाँ तो ये हाल है तो अब तक जितनों लोग बनाए उन्हें रंग नहीं भेजे, सफ़ेद घोड़ा ही बनाया। यहाँ मेरे जहन में क्या आता है पता नहीं।
इमेजिनेशन रखे, नहीं रंग भी होना चाहिए, वो करते करते वो इतना खूबसूरत हो गया। ये जो बुराक का आपने बनाया है ये हसास मौजू है, मतलब इस्लामी हवाले से, तो आपको डर नहीं लगा कि नहीं। तो कुछ मुझे कहेगा नहीं, मुझे मेरे बॉल भी कहने लगा तुम खबीस हो। मैंने कहा क्यों, तुम तस्वीरें बनाते हो? तो मैंने कहा मुसब्बिर तो अल्लाह ताला की दाद भी है। सूरह हशर में देख लो, उसने कहा कि मैं मुसब्बिर भी हूँ, तो तुम अल्लाह ताला को बुरा कह रहे हो, तो सबसे बड़ा पाक है वो, सबसे बड़ा। कोई ऐसी तकलीफ है बनाई आपने के जो बनाते हुए आपके आंसू निकलते रहे हो? हाँ, तो यही तो पूछ रही हूँ, पूछना पूछे क्या मतलब मैं पूछने बैठी हूँ। ये खास है, यही है राग का जो है ना। अब ये आप, ये आपने बड़ी तस्वीर जो देखी है बाहर, उसमें देखे ना कि वो एक बहुत बड़ी 20 फुट की है। तो जब मैं इसको पेंट करना शुरू किया था तो वो यही था, उसी दिन था जिस दिन महराज की छाप है। उस दिन मैंने मेरे घर में एक दीवार थी, मैंने इसके ऊपर कैनवस लगा दिया और मैं इसको ड्रा करता रहा, कभी स्केच नहीं पूरा हो रहा था ये के। फिर उसमें मैंने चारकोल में करता करके गलत हो फिर मिटा दें, ये करते करते कई दिन गुजर गए। फिर मैंने इसको मेरी शक्ल बनी तो फिर मैंने उसको पेंट करना शुरू किया और मुझे हर रोज़ यही लगता था कि ये नहीं कम्प्लीट होगा, तो इतना बड़ी साइज़ में, क्योंकि पीछे देख 30-40 फुट दूर जा कर देखना पड़ता था उसके। तो वो करते 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 और एक दिन वो कम्प्लीट हो गया, एक साल के बाद। फिर महराज की रात थी, हाँ फिर एक हाँ फिर वही महराज की रात को स्टार्ट हुआ, महराज की रात के मुकम्मल। मैंने जब ये बन गई तो मैंने ये आजाद है रमज़ान, रमज़ान गैलरी का आजाद गैलरी का मालिक जो है, तो मैंने उसे कहा आओ तो मैं दिखाता हूँ। वो आया आगे तो उसके सामने बैठा रहा। कहने क्या हो गया कि ऐसा सिर्फ इसकी नुमाइश नहीं हो सकती? मैंने कहा हो सकती क्या नहीं कह रहे। तो वो जो है मेरी नुमाइश में वो सबसे ऊपर वो थी और लोगों ने उसको इतना प्रेश किया। अच्छा, तो लोग देखते हुए रोए? नहीं, पता नहीं उनके अंदर वो जज्बात आते हैं कि नहीं जो मेरे होते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे देखने? अब मैंने उसके सबसे बड़ी बात ये देखी कि अब ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें मुबारक, उसके ऊपर करके मैं दिखा नहीं सकता, तो सिर्फ इसके दया की रोशनी से एक जाहिर कर दें कि नूर की तरह है जो है वो। हालांकि कुरान पाक में तो कहीं भी रसूल पाक को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर नहीं कहा, नूर अल्लाह की ज़ात है या कुरान है, यही है। हाँ, तो ये मैं पेंट करता रहा। ये एक ऐसी चीज़ है बस जो बन गई है, लोगों ने इसकी कॉपी करनी शुरू कर दी है, वो अपने लिए तो ठीक है, वो तो बात है, लेकिन जो आप पे उतरी है ना वो तो और इतनी जगह ये कैनवस जो है बस इसी तरह 6.5 फुट चौड़ा था, तो 7 फुट तो उसको मैंने लेके 12 फुट का एक और 4-4 फुट का करके 20 फुट कर दिया, क्योंकि मुझे जो था ना मेरा दिल चाहता है कि इसको और बड़ा करूं, है ना? हाँ, खुला। हाँ, क्योंकि आज तक तारीख में कभी बुराक को इतना बड़ा नहीं पेंट किया गया। हाँ, तो ये एक था जज्बा था। तो आपको अपनी सारी तख्लीकात में मुझे लगता है कि ये बुराक सबसे प्यारा है। हाँ, देख रहे अब इसमें जो सितारे हैं तो इंटरनेट पे सारे मिल जाते हैं, उनके इमेजेस लेके और मैंने उसको पेंट किया, और उसके सिर्फ ये था कि किस तरह उनको रिलेट किया जाए। वो जो है वो मरीख जो है वो इतना बड़ा और ये है वो, उसके सारे कुछ तो उसका रिलेशन जो है वो ये चीज़ जो है। खताती की बात करें तो उसमें आपने जैसे खते नस्तालीक है, खते शिकस्ता है और खते कूफी है। हाँ, मुख्तलिफ है ना। हाँ, तो आप कौन से खत में? मैंने फिर वही बात मेरी, मैंने जो है खुद डिज़ाइन की है, मैंने सीखा तो पहले वो है खत दस्तारीक जो है उसको सीखता रहा, लेकिन मुझे फिर ये हुआ कि मैंने फिर मैंने पढ़ाना भी शुरू किया। अच्छा, शाकिर साहब ने कहा
क्योंकि वो जानते थे यूसुफ साहब को भी, उन्हें कहा कि वो क्यों नहीं तो तुम पढ़ाते। तो मैंने जब उनको पढ़ाना शुरू किया तो वही अलफ बे से उनको सिखाया। और फिर मैंने उनसे कहा कि देखो तुम इसको मुकम्मल तौर पर उसके उस्तादी मास्टरी तो शायद ना कर सको, लेकिन क्यों ना हम डिज़ाइन की तरफ चले जाए, क्योंकि डिज़ाइन की क्लास थी। तो कह रहा हूँ ये एक है और इसके अंदर तुमने उर्दू की, वो तो पहले अंग्रेज़ी सिर्फ सिखाते थे ना, अंग्रेज उर्दू की तरफ कोई नहीं आता। तो मैंने कहा चलो उर्दू को तुमने करना है और इसमें तुमने लिखना। तो वो उनको हमने सिंपल करना शुरू किया और ये करना करते 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 वो हर एक का अपना अपना स्टाइल बनता चला गया। फिर मेरा था, मैंने भी जैसे मैंने कार्ड बनाए तो उसमें मेरा स्टाइल था सारा, वो किसी की कॉपी नहीं थी। बल्कि फिर ये हुआ कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे वो जब टीवी में जॉब कर रहे थे तो वहाँ पर उनको कहा कि जो कैलीग्राफी इतनी होगी ये कर दे, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता इतनी जगह में, उन्होंने कहा अच्छा हम खुद ही कर लेंगे। तो वो जब उनको एहसास हुआ ना कि ये तो हम हमारे वो उसको नहीं है, उनको हमारी ज़रूरत नहीं, ये ना हमें कल नौकरी से निकाल दें, तो हम वो कहने लगे अच्छा। वो फिर उन्होंने फिर फॉलो किया मुझे जो मैं इस तरह करते ऐसा ऐसा, लेकिन वो जो भी है वो अपना एक स्टाइल बना के उसे नहीं हटता। मैं हर दफ़ा हट जाता हूँ, मैं हर दफ़ा एक नए तरीके से मैं अब उसको स्ट्रेट लाइन में ज्योमेट्री, ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है हमारे जिस्म में भी वो है, हर चीज़ जो है वो ज्योमेट्री है। हाँ उसी को करते जाओ तो रिपीट करते जाओ तो वही बनता चला जाता है। या त्रिकोण भी किया, चकोर भी किया, बिल्कुल गोल भी किया, हाँ सर्कल में भी हर चीज़ है, स्क्वायर स्क्वायर। देखो काबा जो है इससे ज़्यादा बेहतरीन और कंप्लीट डिज़ाइन कोई नहीं, और सिंपल कितना इतना सिंपल है और उसकी और इतना उसका इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है बहुत ही अच्छा। बस मैं कहती हूँ किसी तस्वीर में वो इम्पैक्ट नहीं आ सकता जो असल है। मैं गई तो मैं तो हैरान रह गई, इतना हुस्न इतना खूबसूरत वो कि आप बयान नहीं कर सकते। वो है जिसके सामने जाके रोना निकलता है, अब बंदा रोता रहता है, रोता जाता है, रोता जाता है। आपको रोना अच्छा लगता है? रोना अच्छा लगता है आपको? ऐसे ऐसे होते हैं। हाँ जब वो मेरे टीचर ने मुझे फेल किया था उसको भी मना रहा हाँ इस तरह भी कभी जब जय होता है जब अल्लाह की जात बीच में। तकती के हवाले से आपके हम असर जो थे उनमें कोई नाम जो अच्छे आपको लगते हैं? हम चार थे, एक में मैं था, सलीमुद्दीन गौरी था, स्टीफन अलमास था, सलीमुद्दीन वो सलीम नागी था, ये हम चार थे। शाकिर अली साहब भी तो थे टीचर, टीचर थे। मिसेज जमीला जैदी थी, फिर मिसेज आबिदी डिज़ाइन में थी, ये तौफीक जहाँ स्कल्पचर में थे, फिर इस तरह करके सारे। तो आज हनीफ रामे और नहीं वो तो वो नहीं, हनीफ रामे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं ना। हनीफ रामे असल में थे जो के लालो नहार वगैरह मैगजीन, अच्छा। इनके इनके वो थे एडिटर थे या जो कुछ भी, तो वहाँ से नहीं ये हाँ देखो सादकैन जो थे वो असल में पेंटर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब बहुत होता है ना कि ज़ियाउल हक का है तो उनको कैलीग्राफी का ज़्यादा शौक था तो उन्होंने कैलीग्राफी करनी शुरू कर दी। लेकिन उससे पहले भी वो बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी, मैंने उनकी जो पहली एग्जीबिशन देखी थी कराची में जो हुई थी, बहुत जो अशआर थे उसके गालिब के उस पर वो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था। उसमें ये इन्होंने ये था कि दूसरों ने हम जब कैलीग्राफी करते हैं तो हम वो शॉर्ट हैंड होती हैं क्योंकि हम मतलब एक हर अल्फाबेट जो होता है उसका एक हिस्सा लेके दूसरे के साथ जोड़ते हैं फिर तक फिर एक लफ्ज बनता है। उन्होंने इससे नहीं सर को फिर दोबारा तोड़ दिया कि एक लफ्ज में अगर नून है तो उसको अलहदा लिख दिया, फे है तो अलहदा लिख दिया, तो उसको कंपोज करते करते वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने किया। तो उनने लेकिन फिर शाकिर साहब ने भी किया, शाकिर साहब ने ये बैतुल क़ुरान है ये जो है इसमें हमारे
पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, इसमें उन्होंने बनाया हुआ वो पेंटिंग है उन्हें। तो मैं टीचर था, जब वो उनको कमीशन हुई तो उन्होंने स्केच जो है किया और करके तो मुझे कहने लगे आओ देखो ज़रा। मैं देख करके मैंने कहा ये साहब ये वो तो उन्हें दंदाने जो होते हैं पर कहा ये कम कर दें या ये ज़्यादा कर दें उससे कि मैं कह बाकी ठीक है तो बोलते हैं अच्छा ठीक। मैंने कहा शाह साहब ये क्यों ही है? तो यार वो मैं तस्वीर बना रहा हूँ ना वहाँ पर पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में, तो उसके उसके लिए बैत कुरान के लिए। तो वो फिर मैं जाता रहा जा देखता रहा तो फिर वो इतनी खूबसूरत तस्वीर बनी हुई थी लेकिन तारे। तो मैंने कहा शाह साहब वो स्केच मुझे दे दें। तो कहते हैं अच्छा यार वो तुम्हारा ठीक है अच्छा, लेकिन उन्होंने वो स्केच जो है ना वो 2 साल रखा अपने पास। तो मैं कह रहा यार मैं कर रहा हूँ उस पर काम कर रहा हूँ। तो वो फिर मुझे एक दिन कहने लगे वो जल्दी से ले जाओ नहीं तो बहुत लोग जो हैं वो ले जाने वाले तैयार बैठे हैं। तो वो फिर मैं गया जाके मैं टांगे पर रखा और घर ले गया। कह देंगे इसको ले जाओ, कहना मैंने अपने वालिद साहब के पास भेज दिया उसे बस इतना बचाया उसे मेरे पास है। सबसे कीमती तोहफा जो है मेरे पास मेरी मुसवरी मेरी पेंटिंग जो है कलेक्शन उसमें वो है। अच्छा आप ये जो मैंने गिनवाए हैं नाम खताती के हवाले से जो लोग हैं इनमें से किसी से आपका काम मुमासलत रखता है? करीब करीब है? नहीं 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 सब मुख्तलिफ हैं सब। वेरी गुड, बड़ी वैरायटी। मेरी 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 ऐसा कि हाफिज यूसुफ सिद्दीकी यहाँ जो थे मेमरोज में उनके हेड कातिब थे तो वो मैं उनके पास गया और वो मुझे मेरे मामू ने बता दिया था कि ये तो वो बड़े बड़े खुश हुए और कहा तो वो यूसुफ साहब के साथ हम वो है नहीं कि उनके लिए तो हम हर जगह जूतियाँ सीधा करने वाले हैं। तो वो उन्होंने मुझे मैंने एक वो था वो 65 और के तो उसके कार्ड बनाना था तो मैंने बनाया नसर मिन अल्लाह फता उनके लिए। तो मैंने वही वो एक कार्ड का साइज़ है ना उसमें हर एज टूटा हुआ जो है उसमें वो लिख के मैंने जब लिख किया तो कहते हैं देखो ये तुम कर सकते हो हम नहीं कर सकते। हम वही उसमें ही वो उसकी ठीक ठाक उसमें होने में वो रखते हैं उसे आगे नहीं निकल सकते लेकिन तुम बहुत खूबसूरत बनाया है बस आइडियाज़ है ना आप बात। तो उन्होंने उन्होंने हमेशा अच्छा मुख्तलिफ जो मुसव्विर हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों से बनाते हैं चीज़ें। वो एक मुसव्विर हैं अहमद ख़ान साहब, उन्होंने चांदी के वर्क इस्तेमाल किए हैं। अपना गुल जी ने कुछ पत्थर हीरे इस्तेमाल किए हैं। तो आपने कुछ ऐसा तजुर्बा? नहीं मैं सीधे चले मैंने एक दफ़ा किया था ये लोहे में। अच्छा हाँ लोहे में मैंने बल्कि एक यहाँ नुमाइश जब हो रही थी तो मैंने एक अल्लामा इकबाल का शेर जो था वो लोहे में बना के ना सबक मिला है मुझे क्या है सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम है बशरियत की जद में है कर दूँ ये बड़ा फिर वो लोहे में क्योंकि मैं काट काट के बता हाँ वो कर रहा हूँ लेकिन मैंने ये थे ना उसमें मैंने कह रहा कि दायरे जो हैं मिला वो अलग कर लिए लेकिन मैंने कहा ये बनाओ दे दिए उनके अब इसके साथ जोड़ते चले जाओ। तो वो उनको जो जो काम करने वाले उनको तो नहीं पता क्या कर रहे हैं लेकिन मैंने जो है वो उनको वो कागज़ के ऊपर फुल साइज के ऊपर बना के उनका ये करता जो उन्होंने उसके हिसाब से काटते चले गए और जोड़ते चले गए। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि किसी आगे ने किसी ने नहीं की। आपने तजरीदी मुसवरी भी की है? हाँ हम बिल्कुल बेफिक्र हो गए। अच्छा हाँ बस वो देखें अजीब सी बात है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक एक्सीडेंट होता है। तो मुझे मैंने किसी से कहा यार मुझे कैनवस ला दो कराची से फलां जगह से मिलता है वो मुझे ला दिया उन्होंने और वो बड़ा मुलायम सा था उसमें टेक्सचर ही कोई नहीं था। मैंने कहा मैं इसके ऊपर क्या करूं है उसमें मैं एक पोर्ट्रेट बनाया जो मेरा सबसे अच्छा पोर्ट्रेट था। अच्छा। लेडी इन वाइट
वो उन्होंने मैंने बनाया, तो उसको मैंने वाइट था और उसी वाइट के शेड्स करके उसी से मैंने किया। उसमें आप किताब में भी देखेंगे तो वो बड़ा अजीब सी चीज़ वो बनी हुआ था। तो वो फिर मेरे पास कैनवास इतना पड़ा हुआ था तो मैंने पूरी वो दीवार के ऊपर इस तरह लगा के तो मैंने फिर उसके ऊपर नीले ब्लू कर, फिर वही हुआ जो मेरी कमी थी मैं उसको हमेशा ज़्यादा ज़्यादा करता था। तो मैंने नीला रंग देखे एनामल, क्योंकि उसको पेंट करना आसान होता, उसमें मैंने मिट्टी का तेल डाल के उसे मैंने करना शुरू किया। जब वो दर हो गया पत, फिर उसके बाद मैंने ज़रा गड़ा उसके ऊपर लगाया, फिर करते करते डा, तो वो सारी टोन उसकी हल्के से गाड़ी तक जो है वो बनती चली गई और वो एक पूरी बड़ी तस्वीर जो है बनी। अच्छा, आपके काम में ऐसी क्या खूबी है जो आपको दूसरों से मुमताज करती है? सबसे बात यह मैंने कभी कॉपी नहीं की। अच्छा, ओरिजिनल अपना स्टाइल जो कुछ भी है ये है। लोगों ने कहा ये क्या तुम अच्छा करते हो, तो ये करने का मैं कर रहा हूँ ना, मेरा काम है मुझे करने दो, जैसे भी है बुरा है मैंने भुगतना, तुमने नहीं भुगतना। आपने मुसव्वरी के तमाम शोबों में काम किया है, तो आपको कौन सा काम अपना सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे वैसे अगर देखा जाए तो स्कल्पचर ज़्यादा पसंद है। तो स्कल्पचर में भी किसका आपने बनाया हो कभी? मैंने कोई है, मैंने कहा याद हूँ कोई बनाया ना। अच्छा। हाँ, और भी कई मैंने पोर्ट्रेट भी बनाए हैं। बस इसमें जो बात होती है ना, देखें आप पेंटिंग में तो इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, सामने बिठा के उसको उस जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्कल्पचर में तो एक्चुअली ओरिजिनल कर रहे हैं। हर चीज़ को जो बनाया था हमने उसको वही चीज़ एक एक पीछे जो है उसका आप उसका महसूस करते हैं अपने हाथ में उसको बनाते हैं। अच्छा, वो मिट्टी से जो बना रहे होते हैं ना, रेत से या मिट्टी से, उसकी आँख बिल्कुल देखती भी लगती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना उसमें वही मैं जैसा नहीं, जैसे मैंने कहा जगह हमें ऊपर स्कल बनाई, उसके अंदर वो कैविटी है, उसके अंदर हमने धारा और उसके ऊपर हमने ये लिड जो है ये बना दी और फिर ये और फिर उसके अंदर हमने एक निशान लगा के देखा तो वो आँख बन गई और वो फिर बिल्कुल ऐसे देख रही। अच्छा, और मैंने कई ऐसा किया कि मैंने ये आँख बना के छोड़ दिया छोड़ दिया बीच में, हाँ छोड़ दिया, तो उसके वो ज़्यादा गहराई है जो सोच रहे हैं कुछ। हाँ, अच्छा, मुसव्वरी के जो भी आपने शोबे, ये इमरान खान का भी मैंने बनाया हुआ आपको। अच्छा। हाँ, पोर्ट्रेट ये यहाँ पर है म्यूज़ियम, ओलंपिक म्यूज़ियम जो है वो आते हैं ना टेंपल रोड से, वो उसके ऊपर तो वहाँ पर वो बनाना था, तो वो जो सैयद वाजिद अली शाह साहब वो थे प्रेसिडेंट इनके स्पोर्ट्स के, तो वो उनसे बात हो रही थी तो मैंने वो कहने लगे यार क्या क्या करें हम उनके तो अब क्रिकेट जो है वो हमारे ओलंपिक में नहीं आती और स्क्वाश जो है ये भी नहीं आती और ये दोनों वर्ल्ड चैम्पियन हम, तो क्या किया जाता है क्या देखें इसको, इनके पोर्ट्रेट जो है वो दरवाजे पे लगा, गेट पे लगा दें, दरवाजे में जो एंटर होते सब पिलर्स हैं उनके ऊपर लगा दें, वो दोनों मैंने बनाए हुए हैं। हाँ, तो इमरान खान आते रहे मेरे पास। अच्छा। हाँ, मैंने इसको कॉलेज में इन्वाइट, वो लड़कियाँ पागल हुई हुई थी पर मैंने इनको बनाया और ये आते रहे। अच्छा, मुझे बताएं कि मुसव्वरी के तमाम जो भी शोबे हैं मुख्तलिफ, उनमें सबसे आसान कौन सा आपको लगता है और सबसे मुश्किल कौन सा? देखें एक वक्त था जो हमें पोर्ट्रेट सबसे ज़्यादा आसान लगता था, अब मुझे लगता है जैसे पोर्ट्रेट सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा। हाँ, ज़्यादा समझ आने के बाद या लोगों को जो है ये उस तरह आता ही नहीं। अच्छा। वो कोई कोशिश ही नहीं करते वो, तो बस एक दो अगर जिन्होंने कर लिए तो कर लिए वरना कोई नहीं करता, तो क्या मतलब ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। बाकी जो है वो तो आसान तो कोई चीज़ भी नहीं होती ना, एब्सेक्ट जो है जैसे सही तौर पर देखा जी आसान नहीं होती। जब मैंने अगर एक एक रंग में
तस्वीर बना ली है और वो तस्वीर उसमें कोई कमी नहीं हो, है जी। मैंने वो जो पोर्ट्रेट मैंने कहा जाता था ब्राउन में बनाया हुआ है, कभी किसी ने ये नहीं कहा यार इसमें रंग कोई नहीं है। वो एक ही रंग इतना हाँ एक ही रंग है कि किसी को ये एहसास नहीं होता, हालांकि उसकी आंखें भी ब्राउन है सारी चीजें। लेकिन वो लाइट एंड डार्क आपने तो इसके मतलब ये है कि जो आप बना रहे हैं आप क्या बना रहे हैं कि उसके ऊपर इतना हो कि किसी वो उसका रंग हावी ना हो, पेंटिंग हावी हो जाए। अच्छा आपको तमगा इम्तियाज भी मिला है, आपको प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है। प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला पहले। अच्छा वो, फिर वो आपको जो भी आप हुकूमत के लिए हुकूमती सतह पे नहीं कितने काम आपने किए तरह तरह के, आपको लगता है कि ड्यू रिवॉर्ड आपको मिला है? बस यही उनके पास है क्या, इससे ज़्यादा क्या हो सकता। अच्छा यानी हाईएस्ट मिल गया आपके पास, ठीक है आप उस पर खुश हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो फ़नून लतीफ़ा की एक किस्म है ना, टाइप है आपकी मुसव्वरी, उसके अलावा दीगर जो फ़नून लतीफ़ा है उनसे दिलचस्पी है मेरी? देखिए शायरी जो है मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं मज़ा आता है जब कहीं अच्छी सुनते हैं। उसके बाद मौसीकी जो है मेरे बल्कि वो होते थे ना ये गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका भी मैंने पोर्ट्रेट भी बनाया हुआ हुआ, तो वो उनसे मैंने कहा, वो बड़े अच्छे म्यूजिशियन भी थे। अच्छा। साइंटिस्ट भी थे, म्यूजिशियन भी बड़े अच्छे थे, तो मैं कहा डॉक्टर साहब ये मौसीकी कैसे समझ आ जाए, बोलते समझने की कोई जरूरत नहीं सिर्फ सुनो। तो मैंने कहा कैसे, जब ये होती है ना मैं कॉलेज में हर हफ्ते हुआ करती थी एक महफिल, कोई ना कोई अच्छा टॉप का जो है सिंगर नहीं ये म्यूजिशियन जो है वो आया करते थे, या तो वो कहते हैं सुना करो, तो मैं सुनता था, वो कहते हैं बस यही एक ट्रेनिंग है अपने आप को ट्रेन करो, और वो जो है उसके आदमी उसके अप्रिशिएट करना शुरू कर देता। तो ये चीज़ें जो हैं अब मेरे लिए अब प्रॉब्लम ये होगी कि मैंने सुनाई नहीं सदस्य मैं मजबूर हो जाता हूँ नहीं सुनाई दे, लेकिन वक्त पे तो बड़ा खूबसूरत होता है ना ये सारी। क्या सुनते थे वो, कैसा म्यूजिक सुनते थे? ये क्लासिकल। अच्छा क्लासिकल, कौन पसंद था? ये इमानत अली फतेहरी तो हमारे सामने थे, उनके वो जो छोटे हैं वो तो हमारे कल वो उनको भी उनके माशाल्लाह इतने वो एक प्रोग्राम में कहते हैं कि ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो हमारे यहाँ कितने ही पड़े हुए हैं। ये तो खुद गा लेते हैं थोड़ा बहुत? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि मुख्तलिफ हुकूमतों की ख्वाहिश पे आपने बड़े काम किए हैं, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी मिला कि जिस पे आपने कहा ये नहीं मैं करना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो कहा वो कर दिया जिसने जो नहीं। देखिए ना ये जो है वो कह जाते हैं बड़ी तस्वीर जो बनानी थी तो जो कर्नल था या जो जो भी थे वो आए, तो मैंने कहा था उनकी बातें होती जो, तो वो फिर मेरे एक और उसको लिख थे ये डॉक्टर एजाज अनवर, हाँ तो उनसे कहने कि ये बना लेंगे, तो उन्होंने कहा यही बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकता, अगर ये नहीं बना सकता तो कोई नहीं बना सकता। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इतने मशहूर और मरूफ आर्टिस्ट हैं और इतना अच्छा काम करते हैं, आपको हुकूमती सतह पे नवाजा भी गया है, आजाद मिले हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, गर्दन में सरिया क्यों नहीं आया? अल्लाह का रहम है बस। कभी नहीं सोचा कि ओहो मैं कितने कुछ भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ ये पीछे तो मैं बीमार हो गया था, मुझे आर्थराइटिस हो गया, तो मैं अपना हाथ भी नहीं उठा सकता था। मैंने कहा यह भाई था ना ये तो सब तेरी देन है, जब तूने हुक्म जब तक तू हुक्म ना करे ये मैं उठा ही नहीं सकता। बस छोटी सी बात है, तो बताएं वहाँ क्या करे इंसान, किस तरह गर्दन में अकड़ सोच भी नहीं सकता कि कभी ये कहते हैं कि आप बड़े आठ। मैं कहते हैं बड़ा मुझे मत, बड़ा एक ही ज़ात है अल्लाह की ज़ात है, उससे आगे जाने की कोशिश मत करो बस। अच्छा, वो जिंदगी में सब कुछ
हासिल हो गया, मिल गया, कोई ऐसी बात है जो हसरत बन गई हो, कोई ख्वाहिश ऐसी? नहीं, तो पूरी नहीं हुई मुझे, बड़ा कुछ मिला। अच्छा। मैंने ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत दो दफ़ा की। माशाल्लाह। आप इससे ज़्यादा क्या होता है? हाँ जी, कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा क्या होगा, इस और क्या चाहिए। अच्छा, आपने सारी उम्र पढ़ाया है, कोई एक शागिर्द ऐसा नहीं निकला जो आपका फॉलोअर हो? मेरे है, लेकिन वो है कि उसके बाद काम नहीं किया उन्होंने। फायदा क्या हुआ? बस यही है, मतलब मैं आपको बताऊँ, एक सिर्फ लड़का है जो कि काम कर रहा है, वो है जामशोरों में, जामशोरों में जो है। हाँ, वो तो मेरा नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। अच्छा। हाँ, वो तो वहाँ से उसने किया, लेकिन वो मेरे पास रहता था और मैं उसको कहता था कि देखो ये गलतियाँ ये है ये है ये है, बस ये कहता। और उसके बाद ये जो है क्वेटा का जो है अपने देखें, ये अब मेरी हालत हो गई, मुझे नाम भूल जाते। तो वो बड़ा अच्छा कर रहा है, वो लैंडस्केप भी बहुत अच्छा करता है। और वहाँ के मुझे एक दिन कहता है कि सही था, मैं बैठा हूँ सामने, ये बर्फ़ सख्त कर दी और मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं सामने बैठ के वो जो पत्थर हैं उनको पेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो ये तुम भी कर सकते हो, तुम्हें रंग भी नज़र आते हैं और तुम महसूस भी कर सकते हो, पेंट भी कर सकते हो, किए जाओ, कोई और नहीं कर सकता। तो ये एक जो है वो भी इसी तरह पागल है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके बावजूद काम करता रहता है। अच्छा, अगर कोई मुसव्वर बनने का ख्याल हो किसी का, तो उसमें क्या बेसिक चीज़ होनी ज़रूरी है कि वो मुसव्वर बने, और अगर वो चीज़ ना हो तो वो नहीं बन सकता? सबसे पहले ये है कि जज्बा, मतलब कि वो करना चाहेंगे कि मैंने आर्टिस्ट बनना है। तो जैसे मैंने कहा ना कि मेरे जब मैंने कहा कि यूसुफ साहब से कि मैं मुसव्वर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने बड़ा सख्ती से डांटा कि तुम क्या समझते हो कि ये मजाक है। और उनको तो उस वक्त थे ना जहाँ पर, उनको तो पता था कि मजाक नहीं है कि ये, बल्कि एक जो इतने बड़े खत्तात होने के बावजूद उनको जब लिखना, देखें जी एक घर में बहन भी वो हो, खुद भी वो हो, और वालिद भी अपने वक्त के सबसे बड़े हत्तात थे जिन्होंने खाने काबा का गिलाफी ये लिखी हुई थी, खिताबत की थी। तो उस घर में जो है अगर उनको कुछ चीज़ दिखाई, उन्होंने कहा कि नहीं तुम चले जाओ, तो मैंने कहा यहाँ आपके इतने शायद मुझे किसी के पास बिठा दें, नहीं तुम मेरे बच्चे मेरे बेटे हो, तुम शागिर्द ज़्यादा नहीं हो, जाओ जाके वहाँ से। तो फिर मैं एक दो दफ़ा आया तो मुझसे कहने लगे कि ये वो उसकी टर्किश जो थे उनके इनका पोर्ट्रेट बनाओ। मैंने बना के दिया, बोलते हाँ अच्छा है, तो माशाल्लाह करते रहे। अच्छा, उनके जो मैंने बनाया था ना, बताया था कि वो उनके वो किया था मैंने पोर्ट्रेट जो मैंने थीसिस में उसमें इंटरव्यू में दिखाया था, तो वो उनकी बहन जो थी ना जो सबके बड़ी बड़ी आपा जो खुत्ता आती बड़ी ज़बरदस्त, तो वो आके वो आई तो उन्होंने देखा वो सामने थे, तो कहने लगे अरे तुम यहाँ आए हुए और मुझे बताए नहीं है। तो वो तो उनके चचा थे, तो कहने लगे मुझे बताया ही नहीं। तो फिर वह आगे होके देखते हैं तो उसको हाथ लगाया कि ये तस्वीर किसने बनाई है? उन्होंने कहा सही नहीं, वो कहाँ पर है? मैंने कहा जी कॉलेज में, उसको बुलाओ। मैं शाम को वहाँ उनके पास, मुझे बहुत प्यार किया उन्होंने और कहा कि बड़ी अच्छी खूबसूरत तस्वीर बनाई है तुमने, अल्लाह करे तुम तरक्की करो। मुझे सिर्फ एक डर है कि तुम्हारी तस्वीरों को लोग पूछ जाना शुरू कर दें। मैं कह नहीं ऐसे अपनी ऐसा नहीं हो सकता, इंसान हम बड़े समझदार हो गए पहले से, अभी भी पूछते हैं लेकिन बहरहाल। अच्छा, आपके इस तख्लीकी सफ़र में किसी एक कौन सा वो शख्स है जिसका कलीदी रोल है या कलीदी किरदार है? सबसे बात ये मेरे वाले थे। अच्छा। उन्होंने मुझे इनकरेज किया और खताती मतलब कहते हैं हमारे खानदान में बद खत होना ही गुना जी, बिल्कुल है, नहीं गाली है। नहीं, पुराने जमाने
जमाने में वैसे भी लोग ज्यादा तख्ती लिखते थे ना, ज्यादातर लोगों की राइटिंग बहुत, तो वो मैं करता रहता था और उनको खुशी थी कि मेरा बेटा जो है वो अच्छा लिख रहा है। तो जब उनके इंक्रेजमेंट हो तो फिर बताएं। और फिर जब मैंने, जब उन्होंने कहा और के चाचा जो सुने थे उनको, तो उन्होंने मुलाकात, उन्होंने कहा उसको जाने दो वहाँ पर, वहीं पर वो बेहतर रहेगा वो, तो उनसे मिला। फिर उन्होंने आके कहा हाँ ठीक है। उन्होंने अच्छा, मैंने उस वक्त अप्लाई किया हुआ था मोग रसूल में भी, ओवरसीयर कोर्स के लिए भी, तो वो आए आके कहने लगे देखो ये दो ओवरसीयर का कोर्स 2 साल का है, उसके बाद अल्लाह का बड़ा फजल होता है, और ये जो है 4 साल का है, तो पता ही मैं तुम 4 साल तक मेरी ज़िंदगी भी है कि नहीं। और वो तो मैंने कहा कि मुझे, मैंने बड़ा सोच के मैंने कहा वजह सिर्फ एक बात बताएं, आपने हमें हराम खिलाया कभी? सोच सोच के काफ़ी देर के बाद कहते हैं नहीं। मैंने कहा आप ये कभी हो सकता है कि मैं वो बन जाऊँ और फिर आपको मैं हराम खिलाऊँ? एक रिश्वत के पैसे जो उसी से होते हैं ना, और क्या। तो हमने पढ़ाया लोगों को, बताया ऐसा कुछ है, हमें लोगों ने गाड़ियाँ की चाबी से भी दे दी, ये भी कह रही है वो कि नहीं कभी नहीं, ये है कि हम सिखा रहे हैं आपको बस। अच्छा, सीख लो। बच्चे भी इसी काम में हैं? हाँ, बड़ा बेटा, मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा जो है वो उमर है, आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्चर के बाद वो चला गया था अमेरिका इंटीरियर डिज़ाइन के लिए, तो अभी ये सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो यही है, ये कॉलेज भी पढ़ाता है, इवनिंग क्लासेस होती हैं वहाँ की उनकी, और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बड़े माशाल्लाह वेल टू डू इट। उसके बाद मेरी बेटी है, वो उसने PhD की है उसे 8वीं, और वो अभी उसके मियाँ माशाल्लाह बड़े अच्छे, बहुत बड़े वकील हैं। 2 बच्ची हैं उनकी, वो भी अभी 8 की तरह रागिब हो रही हैं, देखें क्या होता है। छोटा बेटा जो है मेरा वो मिनिएचर में है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है वो माशाल्लाह। और उसके बाद छोटी बेटी जो है वो उसने प्रिंट मेकिंग में किया हुआ है, मास्टर्स किया है ऑस्ट्रेलिया से, फिर वो आके अभी कॉलेज में पढ़ा रही है। अच्छा, तो जो बच्चे ये काम कर रहे हैं उनके काम में आपकी झलक आती है? हर एक अपना अपना। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी जो नहीं, मेरी कोई झलक नहीं। अच्छा, जरा सी भी नहीं? नहीं, बल्कि मैं एक दफ़ा मेरे बेटे ने, उसमारे छोटे ने एक ड्राइंग बनाई जो कि मेरी बिल्कुल मेरी ड्राइंग की तरह लगती थी, तो मैंने उसको देख के तो फाड़ दी थी। अच्छा। तो उसकी माँ ने कहा कि ये आपने क्यों किया? मैंने कहा इसलिए कि ये उस्मान है, सईद अख्तर नहीं है। मैंने कहा देखो बेटे, सईद अख्तर बनने की कोशिश मत करो, तुम उस्मान हो, अपना अपना, और उसने उसके बाद बदल गया वो। आपको मज़ा आया है ना? ये दूसरी ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा इंटरव्यू से मुझे मज़ा आया। पहला जो था वो उसने किया था, ये सलीमा की बहन जो है मिजू ने। अच्छा। हाँ, उसने किया। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी तफसील से हमने आपसे गुफ्तगू की है और वक्त का पता भी नहीं चला, इतना वक्त हो गया है। अरे हाँ, कितनी बातें की हैं, लेकिन मैं ऐसे खो के सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपकी पूरी शुरू की जर्नी से आज के दौर तक हम आए हैं, तो बड़ा मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया।